अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करना है साढ़े माड़े पिंड भरा अखरीत नाल उसो असं आया हुए हैं जी अपनी लोकल पार्क है। कोई स्पैशल पार्क नहीं, साड़ी लोकल है साढ़े करैल कोल। तो असं अपने बच्चों की ना आंदा वा तो जरा करने पे जी फन फैरी असं जरा वॉक करी रहे हैं। तो तुसा कोई नाल नहीं इस वीडियो में इसने सैर कराने हैं। ये जी ईटन पार्क है जी, साड़ी ये लोकल पार्क है। तो ये तकरीबन जी 600 एकड़ फैली हुई और इसी चार फैसिलिटी असि नहीं बस हूँ असलते हुए हैं। बोटिंग लेक है, इस बाद गार्डन सेंटर है इतना और फार्म है छोटा जहाँ जिस जानवर वगैरह है। तो तीन चार पार्क है बच्चों वास्ते प्ले ग्राउंड नहीं। तो ये इसना जो मेन गल है जी इसनी जी वो है वॉकिंग ट्रैक। इसना वॉकिंग ट्रैक तकरीबन जड़ा आ 6 किलोमीटर आ जे सुबह लोग उतना वॉक वास्ते अच्छे और शामी। तो समर टाइम जी इतना फन फेयर लगना, दो तीन फन फेयर लगने बच्चों वास्ते नहीं। तो आज मेनली अस बच्चे के अपने की आंदा सी ताकि गर्मियों छुट्टियां आ तो नाले लॉकडाउन भी खत्म हो गया। तो अस चलो अच्छ बच्चे की नहीं लाख ये फेरी आना। तो ये तकरीबन एक महीना करे सी ये नहीं फन फेयर, क्योंकि अज ट्यूसडे आ तो ट्यूसडे तो वेनसडे जी जरा नहीं रिस्ट बैंड होना ये दसा पौना चाहना। इस सारिया राइडा जी होनी वो पूरे दिन वास्ते करी सकने बच्चे जो काफ़ी मुनासिब प्राइस है। इस वास्ते अज बहुत बिजी दिहाड़ा आ और काफ़ी रश है। तो मौसम जी अज बहुत चंगा है जिसका लगना पे जी कि स्पेन है। स्पेन के अज ये मौसम बदली रहा तो निके करने पे राइडा जी तो अस खली खली तो थकी गए उसका ब्रेक करने पे बैठे भी असं की आए हूँ। तो तकरीबन जड़ा जी 3-4 घंटे हो गए। तो बच्चों का न्याण तो बयान कौन ही। तो अज साड़ा कंट्रोल उन्होंने हथे बच्ची आ जदू वो हूँ आखसन तो उदू ही वापस वापसी उसी जाओ थकसन। तो जी वो थकन जाना थकन जी असं कि उन्हें थकई उड़िया तो अस हूँ बेहते ही नहीं जड़ा फन फेयर की तकने जी। फन फेयर को ज़्यादा जी मिकी अज मौसम बहुत चंगा लगा। पूरा दिन जी आज सूरज इस तरह रहा तो इस वजह ना रौनक बजी रही। मगर पिछले 3-4 दिन बहुत बारिश हुई तो मेरे ख्याल जो बारिश दरमियान नहीं इन्ना फन फैर राइडर ने बेचारे ने काफ़ी नुकसान होना उसी, क्योंकि पता नहीं पार्क है इतना बारिश आलू ने थले कर पीछे पाया। मौसम जी अज बड़ा सोहना आ, गर्मी काफ़ी है। बच्चे के साथ छोड़िए हैं जी अपनी राइड पर तो मैं थोड़ा जहा आया चलो वो करी नजर रखना लेनी ये फ्रेश एयर। तो ये मैं बाना सा इन्होंने जो ट्रक है जी आउटसाइड ये तकरीबन जरा 6 किलोमीटर है और बड़ा खूबसूरत तरीका बनाया गया जी जहाँ जंगल माहौल है और इतने दरख्त लाए गए। तो असं भी इतना थोड़ी करने वॉक 6 किलोमीटर तो नहीं होनी जी तकरीबन नहीं 2 किलोमीटर जी ये वॉक है जी। ये फिजिकली तुम्हें फायदा इसका होना ही होना बेनीफिट, मगर मेरे ख्याल ज़्यादातर अजकल नहीं मैंटली तौर दसा कि बहुत ज़्यादा फायदा होना जरा नहीं फ्रेश शहर ना। तो इसने जो हाईएस्ट पॉइंट है जी इतों को इसका व्यू बड़ा सोहना आ। तो ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है जी। तो यह ईटन हॉल है जी जड़ा इसका मालिक होना से उस जमाने उसका मकान है पिछे। तो उसका गार्डन है जी। तो यह अपनी ये पार्क जी सी कौंसल ने वाले करी आ जी ईटन हॉल है। एक बंदे की जायदाद सी सारी जी ये 600 एकड़ सी वह भी शहर है। तो साड़ी इस निक्की नी अज पहली राइड है जी असं इसकी बालिया अपनी कजन नाल ताकि रोज रोयश पै ना है। मगर रोज नहीं मगर नहीं हैरान हो भी चलो ये उस वास्ते भी एक्सपीरियंस है। तो असं हूँ करिए जी निक्के की ना कि बाकी ने की तैयारी शैरी जी वापसी ने शाम ने 6 टाइम हो गया तो चलिए वापस।
ते थकावट काफ़ी होई गई जी। ते उम्मीद करना है तुसें कि अज्ज इन्नी अपनी ये वीडियो पसंद आई उसी, तुसें अपना ते अपनी सारी फैमिली का ख्याल रखिया जी। ते इंशाअल्लाह फिर कुसै अगली वीडियो मिलसा जी। खुदा हाफिज़।